नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डी आर गुरुजी पर। साथियों, जैसा कि हमने मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला की आज ये हमारी 8वीं क्लास है। तो आपको इस क्लास से क्या बेनिफिट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में है वो अपना रिव्यू जरूर दें। तो आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जाती है। साथियों, वह मूल प्रवृत्ति बतानी है जो बच्चों को सीखने के लिए अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मूल प्रवृत्ति से एक संवेग है वो जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग के साथ जुड़ी हुई रहती है। और इस टॉपिक से संबंधित दो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, इसमें इसी मैकडूगल से दो प्रश्न आ गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रेषणा, पलायन। तो साथियों, वह मूल प्रवृत्ति जो बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है वो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। और इस जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति के साथ में जो संवेग जुड़ा हुआ रहता है वो संवेग है आश्चर्य। पुत्रेषणा एक प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति है, इसे हम है वो शिशु रक्षा भी कहते हैं। और इसके साथ में संवेग जुड़ा हुआ रहता है वात्सल्य। अगर बात करें पलायन की, तो पलायन मूल प्रवृत्ति के साथ में जो संवेग जुड़ा हुआ होता है उसे है वो हम भय कहते हैं। ये जो विलियम मैकडूगल है, इन्होंने संवेग के बारे में 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए थे। आपको A to Z ये 14 संवेग और मूल प्रवृत्ति आपको याद करने हैं। यहाँ से एक या दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, और उसी किताब में इन्होंने इस मूल प्रवृत्ति और संवेगों की व्याख्या की थी। और मैकडूगल की एक परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था कि संवेग है वो मूल प्रवृत्ति का हृदय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? साथियों, विकास जिसकी हमने अवस्थाएं पढ़ी थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इस विकास के लिए कौन सा है वो महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम और वातावरण, प्रेम व देखभाल, वंशानुक्रम व शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा, वंशानुक्रम और वातावरण होगा। चाहे बुद्धि हो चाहे व्यक्तित्व हो, सभी में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतर संबंध होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और विकास में भी इन दोनों का वो मेल होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, उन्नयन। साथियों, अगर हम बात करें तो आकार बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर की लंबाई बढ़ती है, आपके जो शरीर के जो केंद्र से दूर की तरफ जो विड्थ है वो बढ़ती है। तो ये किससे संबंधित है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला, अभिवृद्धि होगा। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है कि शरीर और उसके जो भी भाग होते हैं उन भागों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मान ले पहले बालक की हाइट थी 1 फीट, अब हाइट है 5 फीट। तो ये क्या है, एक प्रकार से शरीर में होने वाला परिवर्तन है। इसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। इस परिवर्तन को हम है वो मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं और इसका संबंध अभिवृद्धि से। अगला प्रश्न साथियों, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है?
शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। साथियों, अगर हम विधायकता की बात करें तो इस विधायकता को हम है वो रचनात्मक भी कहते हैं, इसी को हम है वो मौलिकता भी कह सकते हैं, इसे हम सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। तो और ये विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति है, इसके साथ में संवेग जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं है वो कृति भाव। अगर बात करें विधायकता की मूल प्रवृत्ति की, तो ये है वो बाल्यावस्था में विकसित होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। और बाल्यावस्था का कार्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष। 6 वर्ष से ही बालक में वो इस प्रवृत्ति का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालक नवीन वस्तुओं का निर्माण करता है। और ये जो विधायकता की प्रवृत्ति होती है, इसकी जो उच्चतम सीमा है यानी कि 30 वर्ष तक इसका है वो संपूर्ण विकास हो जाता है, उसके बाद में इसका विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। तो ये क्या है? अभ्यास है, संयोग है, परिपक्वता है, जिज्ञासा है? साथियों, जैसे कि पहले समझाने का प्रयास किया, बालक नहीं समझ पाता है, लेकिन कुछ समय बाद में यानी कि कुछ वर्षों बाद में अगर प्रयास करते हैं तो बच्चा सीख जाता है। जैसे कि बालक को हम है वो जन्म के 4 या 5 माह बाद ही हम वर्णमाला प्रारंभ करवा देते हैं, अनार आम, लेकिन वो सुनता नहीं, अपनी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि वो इस कार्य के लिए परिपक्व नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 4 से 5 वर्ष का हो जाता है, तब बालक है वो ये सभी है वो सीखने लग जाता है। तो है वो बालक में है वो किसका अभाव है? तो बालक में है वो परिपक्वता का अभाव है। बालक इस कार्य को सीखने के लिए परिपक्व नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। साथियों, ये सारे प्रश्न हैं वो चाहे RTET 2012 हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे छत्तीसगढ़ टेट सेकंड लेवल हो, सभी है वो अलग अलग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। साथियों, आपके मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है। सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है यानी कि किस अवस्था में बालक है वो अपने व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। साथियों, सामाजिक स्वीकृति का मतलब है कि जो व्यवहार या आचरण वह करता है उसे समाज माने या फिर उसको मान्यता दे। तो ये है वो विशेष रूप से किशोरावस्था में पाया जाता है, क्योंकि किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल कहते हैं। इस अवस्था में बालक है वो चोरी, झूठ बोलना, विभिन्न प्रकार के है वो असामाजिक गतिविधियां करता है। और किशोरावस्था का जो कार्यकाल होता है वो 12 से 18 वर्ष तक सामान्यतः माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। साथियों, परिपक्वता का संबंध विकास से है। विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। जब बालक परिपक्व हो जाता है और उसके बाद में सीखना प्रारंभ करता है तो उसका विकास होता है। अगर बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है, लेकिन इसका है वो विकास किया जा सकता है। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था में होता है, विशेष रूप से 6 वर्ष से प्रारंभ होती है और 30 वर्ष तक अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, उत्पादन करना। रुचि, रुचि की बात करें तो रुचि एक जन्मजात और अर्जित योग्यता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कि विकास में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो साथियों, विकास में वृद्धि का मतलब है कि शरीर का आकार बढ़ता है, और विकास में वो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ती है,
विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं उनका विकास होता है, आपकी क्षमताओं का विकास होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये प्रश्न है वो आरटेट 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था का मतलब है कि ये बालक है वो बाल्यावस्था से संबंधित है, क्योंकि बाल्यावस्था का कार्यकाल है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। तो इस अवस्था में बालक है वो किस कार्य में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, जो मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो साथियों, जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था का बालक होता है, बाल्यावस्था से संबंधित होता है, वह बालक विद्यालय में रुचि लेता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही, यानी कि जो 6 वर्ष हैं वहाँ से ही बालक है वो विद्यालय है वो प्रारंभ हो जाता है और एकदम सही समय पर विद्यालय पहुँचता है, विद्यालय के समय सारणी के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये प्रश्न भी आरटेट 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। साथियों, अगर हम इसमें बात करें तो आपको सही क्रम बताना है कि सबसे पहली कौन सी अवस्था आती है, उसके बाद में कौन सी आती है और सबसे अंत में कौन सी अवस्था आती है। अगर पहले नंबर की ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले प्रौढ़ावस्था को बता दिया, ये ऑप्शन यहाँ से ही कट हो जाएगा क्योंकि पहले वो बाल्यावस्था होती तो ये ऑप्शन सही हो जाता। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये कहीं ना कहीं किशोरावस्था के ही पार्ट हैं, एक ही अवस्था का वर्गीकरण किया गया है। आपको मनोविज्ञान के जो भी प्रश्न हैं उसमें है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको चूज करना है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पहले बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और किशोरावस्था के समाप्ति के बाद में प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। साथियों, पिछली क्लासों में भी हम चर्चा कर चुके हैं, विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक के साथ में मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन जो वृद्धि है वो एक प्रकार से मात्रात्मक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला गुणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का नियम, उपयुक्त सभी। साथियों, अगर हम तत्परता के नियम की बात करें तो ये अधिगम से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने वो अधिगम के 8 नियम दिए थे, 3 मुख्य और 5 गौण नियम, उसमें है वो तत्परता का नियम है वो मुख्य नियमों में आता है, ये वृद्धि और विकास का नियम नहीं है। एकता का नियम और व्यक्तिक अंतर का नियम, तो इसका जो मुख्य नियम है वो व्यक्तिक अंतर का नियम है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। व्यक्तिक नियम का मतलब होता है कि जो भी होता है, यानी कि वृद्धि और विकास की गति है वो प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए वो इस व्यक्तिक अंतर का नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी कि विकास है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतर संबंध सिद्धांत से, निरंतरता सिद्धांत से। तो साथियों, विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसका संबंध निरंतरता के सिद्धांत से है। इसे हम है वो सततता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि विकास है वो जन्म पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है, जो अवस्था है वो गर्भधारण से प्रारंभ हो जाती है, वहीं से विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगर बात करें अंतर क्रिया संबंध सिद्धांत की, तो इसके अनुसार विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, और अगर एक आयाम में विकास है वो अवरुद्ध होता है तो अन्य आयाम भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ये है अंतर संबंध का सिद्धांत और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों
की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त सभी। साथियों, ये प्रश्न भी 2012 में पूछा गया था। एक होती है खेल की आयु और एक होती है खिलौनों की आयु। तो जो खेल की आयु होती है ये होती है उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन जो खिलौनों की आयु होती है ये होती है पूर्व बाल्यावस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला माना जाएगा। और पूर्व बाल्यावस्था का जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष, जो कि अगर हम बाल्यावस्था को 2 भागों में वर्गीकृत कर दें तभी। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की श्रृंखला का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? भौतिक वस्तुएं जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित होती है, उन वस्तुओं में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को बालक है वो समझने लग जाता है। तो वो परिवर्तन कौन से हैं? उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है कि जो 6 से 12 वर्ष तक की अवधि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। बालक द्रव्यमान को समझने लगता है, संख्याओं को समझने लगता है, जैसे कि वो काउंटिंग करना प्रारंभ कर देता है। क्षेत्र को समझने लगता है कि कौन सा क्षेत्र छोटा है, कौन सा बड़ा है। आयतन को समझने लगता है, इनकी इसे हमें वो संरक्षण की योग्यता भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। साथियों, ये थी आज की श्रृंखला, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।